खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आज सो मैं खास तौर पर पास्टर जॉन पिल्ले का ACCCHS की पैरिश कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ छोटी सी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में और आज जो प्रभु जी ने मुझे वचन दिया है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आसमानी बाप तेरा खादिम तेरे हजूर में खड़ा, मैं कमजोर लेकिन तू मुझे जोरावर बनाता, तू मेरी सारी बशरी कमजोरी को दूर करता, तू मेरे लबों की जबान की और जहन की तकदीस कर ताकि आज का कलाम आज का वचन जो तूने दिया है वो जिंदगियों के लिए बायस से बरकत दे। मैं घटूं और तू बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ये सब कुछ मांगता तेरे पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रभु जी का वचन शेयर करूंगा और फिर उसके बाद छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने आदित्य को दी थी, इसके बाद वो मेरा ख्याल उस प्रेजेंटेशन को चला देंगे जो मेरी मूवमेंट है पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद, और फिर लिंक मेरा पाकिस्तान के साथ रहा और वहाँ पे भी मैं मिनिस्ट्री करता हूँ ऑनलाइन और यहाँ पे भी करता हूँ। और एक इन दिनों खास एक वोमेन है जिस पे हम काम कर रहे हैं और उसके लिए मुख्तलिफ चर्चेस के साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया है ताकि हम उस लेडीज को जो एक बहुत बड़े बोझ के नीचे है उसको हम रिहाई दिला सकें। इसके बाद छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो भी शेयर करूँगा। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली से 16वीं आयत। ब्रदर जीवी जरा प्लीज। Lesson of Bible in the Gospel of John, chapter 10, verses 1 to 16. Yohana Rachisa Samachar, Uska Daswa Jaya, 1 se 16 Vyaya, Main Hindi mein pahun. Main tum se sach sach kehta hun, ki jo koi dwar se bhed shila mein pravesh nahi karta, parantu kisi dusri or se chad jata hai, wo chor aur daku hai. Parantu jo dwar se bhitar pravesh karta hai, wo bhedo ka charwaha hai. Uske liye dwarpal dwar khol deta hai, और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे समझ की ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। थैंक यू ब्रदर जिमी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुड शेपर्ड, यानी अच्छा चरवाहा। जब भी हम पूरी बाइबल को रीड करते हैं तो हमें एक अहम टॉपिक मिलता है, वो है अच्छा चरवाहा यानी गुड शेपर्ड। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ जाते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड गुड शेपर्ड है, अच्छा चरवाहा, और इज़राइल उसकी शीप है, उसकी भेड़े है। और जब न्यू टेस्टामेंट की तरफ आते तो जीसस जो है वो अच्छा चरवाहा है, गुड शेपर्ड, और कलीसिया उसकी शीप है, उसकी भेड़े है। पहला नुक्ता जो है वो है गुड शेपर्ड बनना कैसे है। बड़ा खूबसूरत वचन ब्रदर मैथ्यू ने पढ़ा, और वहां पे हमें गुड शेपर्ड की जो क्वालिटीज है, खूबियां, मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को ट्राई करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी लैंग्वेज उर्दू है इसलिए, जो उसकी क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, जो गुड शेपर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है। वो लिखा है कि वो भेड़ों के आगे चलता है, फ्रंट पे, जो गुड शेपर्ड है वो फ्रंट पे चलता है, लेकिन जो गुड शेपर्ड नहीं है वो भेड़ों के पीछे चलता है। जो गुड शेपर्ड नहीं है, जो बेगार है, मजदूर है, वो पीछे चलता है, लेकिन जो गुड शेपर्ड है वो शीप के आगे चलता है। ये उसकी क्वालिटी है, और इसीलिए जो शीप है वो जिंदा रह सकती है। जो शीप है जब गुड शेपर्ड आगे चलता है तो उसको पीछे जो उसकी भेड़े हैं, शीप हैं, वो महफूज है, क्योंकि आगे लायन आता है, कुछ भी आता है वो मुकाबला करेगा, शीप उसकी कवर में है। लेकिन जो मजदूर है, जो लेबर है, वो पीछे होगा, और शेर जब उस पर, लायन जब उस पर हमला करेगा तो वो तो पीछे है, तो वो भेड़ों को खा लेगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं, उसमें वो खूबसूरती नहीं। क्योंकि जब हम इस वचन के अंदर जाते हैं तो जो गुड शेपर्ड वो अपनी शीप की पावर है, इसलिए कि वो आगे, वो अपनी शीप की पावर है, अगर वो पीछे है तो वो पावर नहीं है, लेकिन अगर वो फ्रंट पे है तो वो शीप के लिए पावर है। क्योंकि शीप की ताकत जो है वो उस गुड शेपर्ड में, अगर गुड शेपर्ड नहीं है, अच्छा चरवाहा नहीं है, तो वो भेड़ों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसको तो अपनी जान की फिक्र है ना, कि शेर मुझ पर हमला ना करे, लायन मुझ पर हमला ना करे, या कोई और जंगली जानवर मुझ पर हमला ना करे। लेकिन गुड शेपर्ड जो है, जो अच्छा चरवाहा है, उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि फतह उस वक्त होती है जब कमांडर शेर होता है, जब आर्मी का कमांडर जो है, जो लीड करता, अगर वो शेर है, दलेर है, तो वो फतह पाए, क्योंकि वो जंग के लिए निकला है। लेकिन अगर कमांडर कमजोर है तो वो फतह नहीं पा सकता। इसलिए हमारा जो चरवाहा है
वो शेर जैसा होना चाहिए, उसके अंदर दलेरी हो, उसके अंदर खौफ ना हो, वो मुकाबला करना जानता। क्योंकि आपको पता है कि डायबल जो है, शैतान जो है, वो डिफरेंट तरीकों से हमले करता है, कलीसियाओं के अंदर हमले करता है, पासवान पे हमले करता है। लेकिन अगर पासवान अच्छा चरवाहा दलेर नहीं है तो वो शैतान के उस बहकावे में आ जाता है, वो गुनाह में फंस जाता है। जो गुड शेपर्ड है, जो गुड कमांडर है, उसको जंग के दाव पेच आने चाहिए, दलेर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, हौसलामंद होना चाहिए। कई दफा जो चरवाहा है वो बेहौसला हो जाता है, हौसला हार देता है। लेकिन प्रभु जी का वचन कहता है कि उसको दलेर होना है, हालात कैसे भी आए। इन दिनों बहुत सारे लोगों को मौका मिला है ऑनलाइन सर्विस करने का, सॉरी किसके पास, बहुत सारे लोगों के जिनके पास चर्चेस नहीं है, कलीसिया नहीं है, उन्हें मौका मिला ऑनलाइन का। और यकीन जाने वो बाइबल की तशरीह, बाइबल की प्रोटेक्शन इतनी गलत करते हैं, ना उस मतन को समझते हैं, ना उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि ये जो आयत लिखी गई है ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई, ये किस वचन जो कहा गया, कौन से हालात में कहा गया। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑनलाइन सर्विस में मौका मिला और उन्होंने अपने आप को 6 महीने साल वो पास्टर जान मिले के साथ 6 महीने मेरी बगल में, और फिर उन्होंने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी। तो वो तो गुड शेपर्ड नहीं है। जीसस ने जब नए अहदनामे में उनको तालीम दी, उनको वचन दिया, तो कलाम में लिखा है कि उनकी बीमारियां जब उनके अंदर मेडिकल हुए, उनकी बीमारियां जाती रही, उनके दुख जाते रहे, और यहां तक कि उस गुड शेपर्ड ने अपनी जान उनके लिए दे दी। ये क्वालिटीज गुड शेपर्ड में है। और एक और मुद्दा के अच्छा चरवाहा क्यों चाहिए, हमें गुड शेपर्ड की क्यों डिमांड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शीप है वो बेबसी की अलामत है, भेड़ जो है वो बेबसी की अलामत है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वो अपना मुंह धो नहीं सकती। कभी भीड़ को देखा शिप को अपना मुंह धो सकती, वो अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक गुड शेपर्ड चाहिए, उस शिप के लिए गुड शेपर्ड चाहिए। क्योंकि जब सुबह को हम भीड़ को लेके जाते हैं चराने के लिए भेड़ों को, तो अगर गुड शेपर्ड नहीं है तो वो उनको लेकर नहीं जाएगा। लेकिन सॉम 23 में लिखा है कि वो हमें हरी हरी चरागाह में बैठाता है। जो गुड शेपर्ड है उसको भेड़ों की फिक्र है, वो हर संडे उनके लिए एक अच्छी खुराक तैयार करता है ताकि भेड़ों को सैर कर सके। उनको नई खुराक चाहिए ना, तो उनके लिए अच्छी खुराक तलाश करता है, उन्हें ले जाता है चश्मों के पास, वो कलाम की गहराई के अंदर ले जाता है जहां तक उनको साफ चश्मे का पानी मिले। यानी भेड़ को गंदा पानी तो नहीं हम पिलाते, जब वो गंदा पानी पिएगी, डर्टी वाटर पिएगी तो क्या होगी, कुछ दिनों के बाद मर जाएगी। तो हमें उसको शफाफ पानी देना। तो ये गुड शेपर्ड में क्वालिटी है, अच्छे चरवाहे में क्वालिटी है कि वो भेड़ों की फिक्र करे। क्योंकि भेड़ जो है वो अपने शेपर्ड के पीछे जाती है, उसकी आवाज को पहचानती,
वो कहते हैं कि भेड़ के पास तेज दांत नहीं होते कि वो जब चीता या शेर उस पर हमला करे तो वो उसका मुकाबला कर सके, कि वो अपना दफा कर सके, क्योंकि वो तो कमजोर है। लेकिन चीता ताकतवर है, डायमंड ताकतवर है, बचन ने लिखा है कि भेड़ जो है चीत जो है वो तेज दौड़ नहीं सकती कि दौड़ कर भाग जाए। और ये जो तीन बातें मैंने कही हैं कि यहां पे तेज दांत से मुराद है कलामे मुकद्दस, अगर हम प्रभु जी के वचन को जानते हैं, आदम और हवा कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। डायमंड उनके पास गया है, उनको उनके वरगला लिया है, लेकिन जीसस के पास वो बेआबान में गया है, जीसस को वरगला नहीं सकता, इसलिए कि जीसस कलाम था। जॉन चैप्टर 1 में इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और जब मैंने कहा कि वो तेज दौड़ नहीं सकती तो इससे मुराद है कि वो कलाम पर गौर खौस नहीं करते। यहां से पास्टर साहब ने कलाम दिया, वो घर जाकर गौर खौस नहीं करते। जब हम गौर खौस करते हैं तो अपने पेट के अंदर, कभी जानवर को चारा खाते देखा है? जानवर को जब चारा डालते हैं, भैंस को बैल को, उसको देखा है कभी? वो जगाली करता है और जगाली करने के बाद वो अपने पेट को भरता है। हम जब कलाम की जगाली करते हैं तो हमारा पेट जो है वो कलाम से भरता है। और जब हम सुस्त, मैंने कहा कि वो दौड़ नहीं सकती, तो इससे मुराद है कि वो कलाम को समझते नहीं है, कलाम को समझते नहीं है, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों बेटियों, अगर हम इसी हालत में छोड़ देंगे तो भेड़ का सत्यानाश हो जाएगा, डायमंड उस पर हमला करेगा, उसको अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन हमें अपनी भेड़ों की फिक्र करनी, अपनी शीप की फिक्र करनी। और फिर भेड़ों की खूबियां जो हैं, भेड़ की क्वालिटीज क्या है, और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। वो अपने लिए अच्छा पासवान चुने, ये शीप की क्वालिटी है कि वो अपने लिए अच्छा पासवान चुने, अच्छा चरवाहा चुने, अच्छा कमांडर चुने। गर्जाकर सॉम 15 जरूर पढ़िएगा, कलाम में लिखा है कि जो रास्ते से चलता है वो सदाकत के काम करता है, वो जिस दिल से सच बोलता है वही अच्छा चरवाहा। जो दिल से हार्ट से सच बोलता है वही गुड शेपर्ड, क्योंकि ये खुदा ने उसको खूबियां दी, हमें उसकी पैरवी करना। क्योंकि टाइम को मैंने कवर करना है इसलिए इतना लंबा नहीं है, लेकिन हमें बीइंग ए शीप अपने पासवान का चुनाव करना। आज गली मोहल्लों में हमें पासवान नजर आते, लेकिन शायद उनमें गुड शेपर्ड की क्वालिटी नहीं। और प्रभु जी ने मुझे और आपको ये सलाहते दी है कि हम पहचान कर सकें कि जो गुड शेपर्ड है वो किस तरह अपनी भेड़ों की, अपनी शीप की देखभाल कर। और कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भेड़ का दूध पीना जानते, उनकी खाल पहनना जानते, उनका गोश्त खाना जानते, लेकिन उनके लिए अच्छी खुराक का बंदोबस्त नहीं करते। हमें सोचना है। और आज मेरी दुआ है प्रभु जी से कि प्रभु जी आपके ईमान को हमेशा
महफूज रखे कि आप प्रभु जी के साथ रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते जाए। एक बार फिर पास जान पिल्ले का ACC चर्च का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे